वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 संस्कृत का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 संस्कृत का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूँ जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आपको वार्षिक परीक्षा 2022 में से पूरे नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में प्रश्न संख्या एक आपको दी गई है कि अधोलिखित से पठित गद्यांश से हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत, यानी आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद है वो लिखना है। और अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनमें से आपको केवल एक गद्यांश करना है और उस गद्यांश का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद है वो करना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि अधोलिखित से पठित पद्यांश से हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत, तो इसमें क्या करना है आपको, यह आपको पद्यांश दिया गया है, अथवा में भी दिया गया है, यानी आपको वैसे तीन पद्यांश दिए गए हैं लेकिन आपको एक ही पद्यांश करना है और उस पद्यांश का आपको हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद है वो लिखना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके कि अधोलिखितेषु अष्टसु चतुर्ण प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन एक वाक्यन लिखत, यानी इसमें से आपको चार वाक्यों के संस्कृत में जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आपको संस्कृत के माध्यम से उत्तर है वो देने हैं। केवल चार प्रश्नों के उत्तर हैं वो ही लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या चार है आपके कि प्रश्न पत्र मित्रस्य सौ पाठ्य पुस्तकात दो श्लोक लिखत, यानी दो श्लोक लिखने हैं, ऐसे दो श्लोक लिखने हैं जो आपको पेपर में नहीं मिले हैं। ओके, यानी जो पेपर में नहीं है वो श्लोक आपको, यदि पेपर में हैं तो आपको वो श्लोक नहीं लिखने, उनके अलावा दो श्लोक लिखने हैं। और पांचवा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखादित तपद मद्रते अष्टसु प्रश्नानाम निर्माण कुरुत। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट तैयार करना है। और उसके बाद में छठा प्रश्न दिया गया है आपको कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखतु, यानी ये वाला जो गद्यांश आपको दिया गया है ये गद्यांश आपको कंप्लीट पढ़ना है और इस गद्यांश में जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपको करने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत, तो इसमें प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के हैं वो आपके गद्यांश के प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको करना है। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है आपके कि कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पद निर्माय वाक्य पुरियत, और इसमें देखिए तीन आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, 16, 17, 18 इसमें भी आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं तो ये भी आपको कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, 20, 21 इनमें भी आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं तो ये वाले भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके धातु लट लटकार रिक्त स्थान उनको पूरा करना है, तो ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, एकवचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, यहाँ पर प्रच्छति है तो द्विवचन में क्या आएगा, बहुवचन में क्या आएगा, और यहाँ पर दे रखा है आपको द्विवचन, एकवचन और बहुवचन में क्या आएगा, और यहाँ पर एकवचन में प्रच्छामी दिया गया है, द्विवचन है यहाँ पर क्या आएगा, और बहुवचन में प्रच्छाम दे रखा है। तो 23वां प्रश्न है पद धातु लटकार से रिक्त स्थानानी पूरियत, तो इनमें भी देखिए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। और प्रश्न संख्या 24 है कि गिरी शब्द से पश्चिमी विभक्ति लिखत, तो गिरी शब्द है उसकी पश्चिमी विभक्ति है वो लिखनी है। और प्रश्न संख्या 25 है गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। और प्रश्न संख्या 26 है अधोलिखित वाक्यानी कर्म रहितानी संति, यानी कर्म से लिखना है आपको इनको। ओके, कर्म से लिखना है आपको। और उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न संख्या 27 है अधोलिखित पत्र मंजूषाए सहायता रिक्त स्थानानी पुरयित्वा लिखत, तो यह आपको पत्र दिया गया है मंजूषा जो आपको कंप्लीट तैयार करना है।
और यह आपके प्रश्न संख्या 28 है। इसमें जो आपको पिक्चर दिया गया है इसके बारे में 6 वाक्य हैं वो लिखने हैं। तो ये संस्कृत का जो कक्षा 9 का पेपर है ये कंप्लीट आपको तैयार करना है।